जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तो वहां के नेता वोट मांगते हैं सुपर पावर के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर। उसी तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके में चुनाव होते हैं तो वहां पर भी वोट मांगा जाता है प्राइस राइस या फिर इकोनॉमी के नाम के ऊपर। लेकिन हमारे देश के नेता क्या बोलते हैं, हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो नेता जी कहते हैं, मित्रों विपक्षी पार्टी के लोग मछली खाते हैं इसलिए मुझे वोट दे दो। बात सही है। वाह क्या बात है। ऐसा ही रिसेंटली कुछ हुआ, मोदी जी ने बोला है, जरा पहले आपको सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद इस पूरे रायते के बारे में बात करेंगे। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। नहीं नहीं मोदी जी, आपको कोई भी यहां पर गालियां नहीं दे रहा, आपके ऊपर कोई भी गालियों की बौछार नहीं कर रहा, लेकिन झूठ बोलना प्लीज बंद करिए क्योंकि फैक्ट चेक आपका यहां पर पूरी तरीके से होने वाला है। अब यहां पर मुद्दा जो है वो तो आगे चल के अभी आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई सारी बात, लेकिन इस पूरे भाषणबाजी के अंदर मोदी जी ने एक बात बहुत सच बोली है, जरा आपको सुनवाना चाहता हूं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। फ्रॉम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा टू मोदी किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, ये बात तो मोदी जी ने बिल्कुल सत्य वचन बोला है। अब ये पूरा मैटर शुरू कहां से हुआ, शुरू यहां से हुआ कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो अपने ट्विटर पे पोस्ट किया जहां पर वो अपना खाना खा रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर, और चुनावी सभाओं के बीच में किस तरीके से बिजी शेड्यूल में खाना खाया जाता है नेताओं के द्वारा, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। अभी खाना खाने वाली वीडियो में जो खाना खा रहे थे तेजस्वी यादव उसमें मछली वो यहां पर खा रहे थे, इसी को लेकर के मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया, देखो भाई नवरात्रों के दिनों में नॉनवेज खा रहे हैं इसलिए विपक्ष को वोट मत करो मुझे वोट करो। अब सबसे पहली बात तो निकलकर यहां पर ये आती है कि मोदी जी कहते हैं कि भैया उन्होंने बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, देश को न्यू इंडिया बना दिया है, हर जगह खुशी की लहर दौड़ रही है, तो आखिरकार ऐसी टुच्ची चीजों पे वोट मांगने का सवाल क्यों उठता है। दूसरी चीज, चलो अगर इन चीजों पे वोट मांग भी रहे हो तो क्या ये चीज सच है या झूठ। इतने बड़े झूठ को मोदी जी ने मेंशन कर दिया और मीडिया ने भी उसको वहां से पिकअप करने का काम किया। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है जहां पर तेजस्वी यादव ने ये वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था कि चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन दिनांक 8/4/2024, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है और इसी वीडियो में ये मछली खाने का काम कर रहे हैं 8/4/2024। अब अगर कोई सच्चा सनातनी होगा, अगर हिंदू धर्म की थोड़ी सी भी जानकारी रखता होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि नवरात्रों की शुरुआत 9/4/2024 यानी कि 9 अप्रैल 2024 से हुई है, लेकिन मोदी जी कूद पड़े ये बोलने पे कि नवरात्रों में मछली खा रहे हैं मित्रों इसलिए इनको वोट मत देना। इनफैक्ट मोदी जी की इसी बात को पिकअप करके गोदी मीडिया किस तरीके से वैलिडेट कर रहा है, भाई पापा की परी। आपको दिखाना चाहूंगा नविका कुमार का ये वीडियो, जरा देखिए इसको। कि क्या वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव जैसे नेता हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं? जैसे मुगलों ने तोड़े मंदिर वैसे नवरात्रि में मछली वीडियो का मतलब क्या है? सवाल पब्लिक का आज यही है। जैसे मुगलों ने तोड़े मंदिर वैसे नवरात्रे में एक नॉनवेज खाने का वीडियो, यहां पर भी वही झूठ बोला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में साफ साफ मेंशन किया है कि एक दिन पहले का ये वीडियो है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के झूठ को पिकअप करके नैरेटिव सेट किया जाता है। एक और दिखाता हूं, सुधीर चौधरी अपने स्क्रीन के ऊपर, चुनाव में नया एम फैक्टर मछली, यहां पर भी दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है नवरात्रों में मछली खाने का काम कर रहे थे। कितने घटिया और कितने एंटी सनातनी एंटी हिंदू हैं तेजस्वी यादव, मुसलमानों को खुश करने के लिए और सनातन धर्म को हिंदुओं को तंग करने के लिए चिढ़ाने के लिए ये नवरात्रों में मछली खा रहे हैं। लेकिन 8 तारीख को कौन सा नवरात्रा था भाई, मुझे ये बताओ कोई प्लीज। चलो ये सारी चीजें और मोदी जी को तो छोड़ दो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके जो आईटी सेल के ट्रोल्स हैं वो किस तरीके से झूठ फैला रहे थे। तेजस्वी यादव के वीडियो को ही इन्होंने उठा करके ट्वीट किया और जिस वीडियो पे लिखा हुआ है कि भाई 8 तारीख का वीडियो, उसमें ये लिख डाला कि पीएम मोदी इज कीपिंग 9 डेज नवरात्रि फास्ट
तेजस्वी यादव ईटिंग फिश एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया टू मॉक हिंदूज। अगेन एक बहुत बड़ा झूठ है, कहीं पर किसी ने कोई नॉनवेज खाके किसी को नहीं चिढ़ाया है, लेकिन क्योंकि भैया डेवलपमेंट के नाम पर ठुल्लू किया है इन्होंने पिछले 10 साल में, इसलिए इस चीज पर वोट मांग रहे हैं। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं एक होर्डिंग, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ही मांग रहे हैं। यहाँ पे अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, विश्वास देश का गारंटी मोदी की, फिर एक बार मोदी सरकार। अब जहां पर एक तरफ दिखाया जा रहा है कि हिंदूज को मॉक करने का काम किया जा रहा है, हिंदूज को चिढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली में यहां पर असली मौकरी हो रही है हमारे देश की डेमोक्रेसी की और हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की। और इलेक्शन कमीशन कहां है भैया इस सब के बीच में, जहां पर देश में इस टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रखा है, इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीजों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ना ही इलेक्शन कमीशन मोदी जी के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और ना ही इलेक्शन कमीशन देश की मीडिया पे ऐसा झूठ फैलाने के बावजूद भी कार्रवाई कर रहा है। वैसे इलेक्शन कमीशन तो क्या ही कार्रवाई करेगा, आपको याद होगा सीएसडीएस का सर्वे जो कि परसों आया था और कल मैंने उसके बारे में यहां पर जिक्र भी किया था, उसी सर्वे में इलेक्शन कमीशन की नींद उड़ा देने वाला एक आंकड़ा भी सामने आया था, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड, ये बताया गया था। ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रेट एक्सटेंट 28%, सम एक्सटेंट 30%, नॉट मच 19%, नॉट एट ऑल 9%। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये कि जो ग्रेट एक्सटेंट वाले लोग हैं 28% जो कह रहे हैं कि इनको बहुत ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में, ये 51% होते थे 2019 के चुनाव के बाद, ये गिर करके 28% पे आ चुका है। यानी कि अब तो मोदी जी के अपने लोग भी जानते हैं कि ये लोग यार इलेक्शन कमीशन को सेट करके चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट दोबारा स्क्रीनशॉट को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पब्लिक परसेप्शन ऑन ईवीएम मैनिपुलेशन, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं है लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगता है। यहां पर कहा गया कि लाइकलीहुड दैट ईवीएम्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी, इसमें अलॉट बोलने वाले 17% है, समवॉट बोलने वाले 26% है, यानी कि 45% लोग ऐसे हैं जिनको कि ऐसा लगता है कि ईवीएम से रूलिंग पार्टी मैनिपुलेशन कर सकती है, और अगर ईवीएम से मैनिपुलेशन रूलिंग पार्टी करेगी तो कांग्रेस को तो जिताने के लिए करेगी नहीं ना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कंगना दीदी के बारे में। किसी को जरूरत नहीं है मोदी जी के झूठ को एक्सपोज करने की, कंगना दीदी इज एनफ। यहां पे कंगना दीदी ने एक भाषण यहां पे दिया जिसमें दीदी ने मोदी को एक्सपोज करके रख दिया, जरा सुनिए इसको। महिला बहनों, बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक ये हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती है, 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं, 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? थोड़े दिन पहले मोदी जी और मोदी जी की स्मृति ईरानी जी बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में, विमेन रिजर्वेशन बिल मोदी जी ने पास कर दिया है, कितना अच्छा यहां पे काम किया है। लेकिन आज यहां पर दीदी कह रही है, कंगना दीदी, कि अगर आप याद करो आंखें बंद करके तो आपको 2-3 नाम से ऊपर कोई यहां पर याद ही नहीं आएंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करो। अरे दीदी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी यहां पर बैठे हैं, मतलब मोदी जी क्यों टिकट दिया आपने कंगना दीदी को यहां पर खुद को एक्सपोज करने के लिए। इसी के साथ कंगना दीदी यहीं पर नहीं रुकती है, कंगना दीदी चुनाव के अंदर क्या बात कर रही होंगी आपके हिसाब से, हिंदू मुसलमान की बात कर रही होंगी, अजी घंटा ये बात कर रही है सिर्फ मोदी के बारे में, मोदी जी कितने ग्रेट हैं, मोदी जी कितने अच्छे हैं। इनका भाषण शुरू होता है मोदी से और खत्म भी होता है मोदी पे आके, और अब तो इन्होंने ये कह दिया है कि मोदी जी स्वयं ही राम जी हैं यहाँ पर। मेरे से हजम नहीं हो रहा, हंसी और रोना साथ में आ रहे हैं यहाँ पे, जरा देखो इसको। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही। मोदी जी साक्षात श्री राम का अंश है, मोदी जी के अंदर उनकी पूजा है, ये है वो है दुनिया फलाना ढिमकाना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल लिया, लेकिन दीदी मुद्दों पे तो बात करो यार। एक तरफ हम देख रहे हैं अरुण गोविल जैसे लोग हैं, उनसे पूछा जाता है मुद्दे क्या हैं, तो वो कहते हैं कि मुद्दे के बारे में बाद में सोचेंगे, कम से कम कुछ बोलते तो हैं। यहां तो मुद्दे के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, यहां तो सिर्फ मोदी के गुणगान चल रहे हैं। अब डेफिनेटली यहां पर यही होगा, किसी भक्त को अगर आप इलेक्शन लड़वाओगे तो वो मोदी मोदी ही करेगा ना, मतलब यहां पर राम राम का नाम भी नहीं लिया जा रहा, यहां पर मोदी मोदी का नाम लिया जा रहा है, किस लेवल पर ये लोग पहुंच चुके हैं। अब जहां पर नॉर्थ में इतना सब कुछ मजेदार चल रहा है, वहीं पर आपको जरा
महाराष्ट्र लेकर के चलना चाहता हूं। मोदी जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर कि भैया ये तो नकली शिवसेना है, तो उसके रिस्पांस में उद्धव ठाकरे ने क्या बात बोली है और भैया पूरी तरीके से मोदी जी का मोए मोए कर दिया है। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी सेड दैट आवर शिवसेना इज डुप्लीकेट, आई वॉन्ट टू से दैट इट इज नॉट हिज कॉलेज डिग्री। अरे यार मोदी जी क्यों बात करी आपने डुप्लीकेट के बारे में, आपको पता है ना क्या हुआ था थोड़े दिनों पहले। इनफैक्ट महाराष्ट्र से एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे ये भी मोदी की भक्ति करते हुए रुकते नहीं है, ये भी कंगना रनौत पार्ट टू ही आप इनको मान सकते हो, लेकिन इनके साथ एक तगड़ा मोए मोए मोदी जी ने कर दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी ड्रॉप्स सीएम एकनाथ शिंदे एंड डिप्टी सीएम अजीत पवार फ्रॉम लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में जहां पर पहले नाम था एकनाथ शिंदे का, वहां से एकनाथ शिंदे का नाम हटा दिया गया। और ये भैया कौन सा मजाक चल रहा है, डुप्लीकेट शिवसेना आप यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को कह रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से असली वाली शिवसेना के जो चीफ है यहां पर उनको आपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया है। इससे साफ साफ ही समझ में आता है कि इनके बीच में कितनी ज्यादा यूनिटी है भैया, बहुत ही ज्यादा यूनिटी है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं साउथ के बारे में। राजीव चंद्रशेखर जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मोदी जी के काफी खास ये माने जाते हैं, इनकी चुनावी रैली आपको दिखाना चाहता हूं। रोड शो चल रहा है, अपने स्क्रीन पर देखिए भैया काफी तगड़ा ये रोड शो है और काफी तगड़ी यहां पर भीड़ जो है उमड़ पड़ी है एकदम से यहां पर भीड़ इनको देखने के लिए। लेकिन अफसोस ये भीड़ जो है ये मिस्टर इंडिया के लोगों की भीड़ है जो कि नजर नहीं आ रही है, लाल चश्मा देखने पर ही नजर आएगी। मस्त कॉमेडी चल रही है भैया चुनाव के बीच में, मुझे नहीं पता कि मोदी जी के 400 पार आएंगे 300 पार आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहां पर एक बात पक्की है कि भैया एंटरटेनमेंट और कंटेंट पूरी तरीके से मिल रहा है, मजे ही मजे पूरी तरीके से हो रहे हैं। हमारे को तो इसी तरीके से मजे मिलते रहे, हमारा काम उतने में ही हो जाता है भैया। लेकिन अब जरा बात करना चाहता हूं इंटरनेशनल डंके के बारे में भी, इंटरनेशनल डंका अभी भी बज रहा है, मतलब चुनाव के बीच में बजता रहता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इंडिया आस्क्स इट्स सिटीजंस नॉट टू ट्रैवल टू इजराइल एंड ईरान, इन एन एडवाइजरी द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल्सो अर्ज्ड द इंडियंस रेजाइडिंग इन ईरान एंड इजराइल to exercise utmost precautions about their safety and restrict their movements to minimum. अब ये news अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि अभी 2-3 महीने पहले इंडिया से इजराइल काफी सारे युवाओं को भेजा गया था वहां पर नौकरियां करने के लिए, और अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी इजराइल और ईरान में ट्रैवल ना करे, और वहां पर अगर कोई है तो अटमोस्ट प्रिकॉशन यहां पर ले, बाहर ज्यादा ना घूमे, मिनिमम तरीके से अपने मूवमेंट को रखे। मतलब जो लोग वहां पर गए थे जॉब्स करने के लिए उनका तो मोए मोए कर दिया ना मोदी जी आपने, पुआ पुआ। इसी के साथ एक और दिखाना चाहता हूं आपको, ये द हिंदू की न्यूज है जहां पर बताया गया 6000 वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू बी ब्रॉट टू इजराइल ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई, यानी कि अभी तक हजारों तो जा चुके हैं, 6000 और ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पर अप्रैल मई में इजराइल जाने वाले हैं नौकरियां करने के लिए। यहां पर दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि इजराइल और ईरान को ट्रैवल मत करो, लेकिन वहीं पर एक तरफ हमारे देश के नौजवानों को भेजा जा रहा है ऐसे वॉर जोन के अंदर, क्या करने के लिए भैया, मरने के लिए भेज रहे हो क्या। अब इसी के बीच में बहुत सारे लोग इजराइल जा भी रहे हैं उनकी भी यहां पर गलती है, क्योंकि भैया यहां पर जब सही मुद्दों पर वोट नहीं करोगे तो ऐसे ही इजराइल जाना पड़ेगा ना वॉर जोन में, मोए मोए करवाने अपना। वैसे अगर आपको इसी तरीके से आने वाले टाइम में किसी वॉर जोन में जाके नौकरी नहीं करनी है तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सोच समझ कर वोट करना। सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग मच्छियां खा रहे हैं उनको वोट मत करो। तो अब आप खुद अपना दिमाग खोल के ये बात सोचो कि क्या मच्छी खाना नहीं खाना बड़ा मुद्दा है, या नौकरी देना या नहीं देना बड़ा मुद्दा है, ये सोच के जरूर वोट करके आना। साथ ही अगर ट्रेंडिंग न्यूज की ये मजेदार वीडियोस मिस ना करनी हो एंटरटेनमेंट के साथ तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना, नहीं तो सपने में आज मोदी जी आएंगे मछली खाते हुए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।